भू कानून। अगर उत्तराखंड की खूबसूरती को संजोए रखना है तो जरूरी है भू कानून। अगर उत्तराखंड की संस्कृति, भाषा, रहन सहन को बचाए रखना है तो जरूरी है भू कानून। अगर पहाड़ी जीवन शैली, पहाड़वाद को विलुप्त होने से बचाना है तो जरूरी है भू कानून। जब इतना जरूरी है तो क्यों नहीं है एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में। उत्तराखंड के वर्तमान भू कानून में बहुत खामियां हैं, जिसके चलते यहां देश का कोई भी नागरिक आसानी से जमीन खरीद सकता है और यहां बस सकता है। कितने ही लोगों के प्रयास और बलिदान के बाद सन 2000 में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई, ताकि पहाड़ी जीवन शैली व संस्कृति को बचाया जा सके। सन 2002 तक उत्तराखंड में दूसरे राज्यों के लोग सिर्फ 500 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकते थे। सन 2007 में ये सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई, लेकिन 2018 में पहाड़ों में औद्योगिक विकास के नाम पर भूमि की खरीद की अधिकतम सीमा को पूरी तरह खत्म कर दिया गया, जिसके बाद बाहरी लोगों ने उत्तराखंड में निवेश व विकास के नाम पर बेतहाशा जमीनें खरीद डाली और नतीजा ना ही यहां कोई निवेश हुआ और ना विकास। बस बड़ा है तो एक खतरा, पहाड़ी लोगों के भूमिहीन होने का खतरा, और खतरा हमारे उत्तराखंड की संस्कृति के विलुप्त होने का। इसलिए आज पूरा उत्तराखंड मांग करता है एक सशक्त भू कानून की, जिसका फायदा यहाँ के लोगों को हो, ताकि उत्तराखंड में पर्यटन के नए अवसर पैदा हों और नए रोजगार लोगों को मिले। ये आवाज सिर्फ मेरी है, लेकिन ये विचार आज पूरे उत्तराखंड के लोगों के हैं, क्योंकि मेरी कोई पहचान नहीं, मेरी पहचान मेरे पहाड़, मेरे उत्तराखंड से है। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।